जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेला जा रहा फर्स्ट टेस्ट मैच। आप सभी को बता दें किस तरीके से इंग्लैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज जारी है, जहां तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। लेकिन पहले मैच का, पहले दिन का हाईलाइट आप सभी को बताते हैं क्या कुछ मैदान पर घटा, किस तरीके से इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जॉनी बेस्टो ने मैदान पर रनों का तूफान खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ी सी मजबूत स्थिति में नजर आ रही इंग्लैंड की टीम पिच को देखते हुए। तो बात करते हैं इस फर्स्ट मुकाबले की कि वेस्ट इंडीज की टीम क्या है, इंग्लैंड की टीम क्या है। कई सारे युवा खिलाड़ी हमें वेस्ट इंडीज की टीम में नजर आ रहे हैं, तो कई इंग्लैंड के खिलाड़ियों की वापसी हुई है इस मुकाबले से। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आपके सामने पूरा मैच का हाईलाइट रखते हैं पहले दिन के खेल तक का। तो इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच दोस्तों पहला टेस्ट मैच है, 8 मार्च से शुरू हुआ है। सुबह शाम के 7:30 बजे मैच हुआ था, जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 है कप्तान क्रेग ब्रैथवेट और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट हमें देखने को मिले। जब बात करें वेस्ट इंडीज़ के कप्तान की, तो वेस्ट इंडीज़ के कप्तान ने यहाँ पर प्लेइंग 11 अनाउंस करी। क्रेग ब्रैथवेट, जॉन कैंपबेल, सामारा ब्रुक्स, निकोमेर बॉनर, जेरेमिन ब्लैकवुड, जेसन होल्डर, जोसुआ डी सिल्वा, कीमर रोच, अल्जारी जोसेफ, वेरेसिमिया पैरामोल, जेडन सील्स इंग्लैंड के प्लेइंग 11 है दोस्तों। इसमें जो रूट जहाँ कप्तान है, तो वहीं एलेक्स लीज, जैक क्राउली, जो रूट, डैनियल लॉरेंस, बैन स्टोक, जॉनी बेस्टो, बैन फॉक्स, क्रिस वोक्स, क्रेग ओवर, मार्क वुड और जेक लीच हमें देखने को मिले। अब यहां पर दोस्तों ये खूबसूरत मैदान है, और बात करें इस मैदान की तो सर विविन रिचर्डसन स्टेडियम नॉर्थ साउंड एंटीगुआ के मैदान पर इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और पहले बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बहुत खराब रही, शुरुआती 4 विकेट उनके 50 रन के अंदर गिर चुके थे, यानी कि आधा मैच कह सकते हैं कि बहुत बुरी तरीके से हार चुकी थी एक तरीके से इंग्लैंड की टीम। और यहां से मुकाबला निकाल कर दिया उनके निचले क्रम के बल्लेबाजों ने, जहां बैन स्टोक को तो आप जानते हैं दोस्तों, उसके बाद जॉनी बेस्टो से आप परिचित हैं ही, लेकिन एलेक्स लीज और जैक क्राउली से उम्मीद थी कि जल्दी बहुत बड़ी पारी खेलेंगे। एलेक्स लीज दोस्तों ये 29 वर्षीय खिलाड़ी है, और इसका मतलब कह सकते हैं डेब्यूट ही हुआ एक तरीके से, लेकिन 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर एलेक्स लीज आउट होते हैं। रोच यहाँ पर इनको चलता करते हैं। जैक क्राउली की बात करें तो ये तो अच्छे खासे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। जहाँ बात करें इस 24 वर्षीय खिलाड़ी की, तो 19 टेस्ट मैच खेल चुका है, जिसमें इनका करीब एवरेज 27 का है और हाईएस्ट स्कोर 267 यानी 267 का है। तो उम्मीद थी इनसे बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ये भी 11 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो 4 ओवर के अंदर दोस्तों वेस्ट इंडीज़ की टीम को 2 बड़े झटके लग चुके थे। अब बारी थी जो रूट की, और उनका साथ दे रहे थे डैनियल लॉरेंस। जो रूट भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए, सबको लगा कि वनडे मुकाबला चल रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी विकेट गिर रही थी। 14 गेंदों में 13 रन बनाए जो रूट ने, 3 चौके की बदौलत, और कीमार रोच ने उनको चलता कर दिया। आप सभी को बताया किस तरीके से जो रूट से उम्मीद थी यहाँ पर बहुत बड़ी पारी खेलने की, क्योंकि जो रूट की बात करें तो 115 टेस्ट खेल चुके हैं, 115 की 211 इनिंग्स में 49 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए, 254 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 23 बार शतकीय पारी खेली इन्होंने। लेकिन जो रूट से उम्मीद थी यहां पर बड़ी पारी की, लेकिन 13 रन में आउट होकर निजी स्कोर पर। अब टीम इंग्लैंड को 27 रन पर तीसरा बड़ा झटका लग चुका था। बारी थी डैनियल लॉरेंस और बैन स्टोक की कि मुकाबले में कुछ बड़ा करें, लेकिन डैनियल लॉरेंस भी दोस्तों ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए। 38 बॉल्स में 20 रन ही बना पाए, 38 गेंदों 20 रन, और इनसे जो बड़ी पारी की उम्मीद थी ये भी दोस्तों निराश करके चले गए। लेकिन युवा खिलाड़ी था, ज़्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाया, और 38 गेंदों में 20 रन बनाकर जब आउट हुए, जेसन होल्डर ने इनको चलता किया था और कैच पकड़ी थी ब्लैकवुड ने। वहीं बात करें बैन स्टोक की, तो बैन स्टोक से उम्मीद थी यहाँ से और बड़ी पारी खेलने की, क्योंकि बैन स्टोक की बात करें तो 77 मैचेस खेल चुके हैं टेस्ट के, इसके दौरान 141 पारियों में इन्होंने 4000 से ज़्यादा रन बनाए। अपने 500 रन में दोस्तों इनके सिर्फ और सिर्फ 97 रन दूर हैं, और उम्मीद करते कि इसी सीरीज़ के दौरान इनके 97 रन कंप्लीट हो, यानी कि टेस्ट में इनके 5000 रन कंप्लीट हो जाएँ। 10 बार इन्होंने शतकीय पारी खेली टेस्ट में, तो इनसे तो उम्मीद की ही जा रही थी। लेकिन जॉनी बेस्टो और बैन स्टोक्स के बीच छोटी सी पार्टनरशिप हुई, जहां 48 यानी कि 48 रन पर 4th विकेट गिर चुका था 16वें ओवर के अंदर। वही उम्मीद थी कि यहां से मैच थोड़ी और दूर तक जाएगा, लेकिन जहां शतक पार हुआ यानी कि 100 रन का आंकड़ा पार हुआ टीम इंग्लैंड का, राहत की सांस ली होगी कि चलिए कुछ तो यहां पर पारी में रन बनने हैं, क्योंकि यहां से उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ऐसा बड़ा कोई स्कोर यहां बनेगा ही। और 48 रन पर जब आपके 4 विकेट गिर चुके हैं, तो 5वां विकेट आपका 115 रन पर आया, यानी कि यहां से अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई थी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। लेकिन इस पार्टनरशिप को और बड़ा कर सकते थे, सिर्फ 67 यानी कि 67 रन की पार्टनरशिप थी, और ज्यादा कुछ खास कमाल हुआ नहीं इस पार्टनरशिप में। तो बैन स्टोक भी दोस्तों 36 यानी कि 36 रन बनाकर आउट हुए 95 बॉल में। दूसरे छोर से जॉनी बेस्टो उनका पूरा साथ दे रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर आते हैं बैन फॉक्स। बैन फॉक्स और जॉनी बेस्टो के बीच अच्छी खासी शतकीय पार्टनरशिप में सिर्फ 1 रन कम रह जाता है, जहां 115 रन पर 5वां विकेट गिरा था, तो 6ठा विकेट आया 214 रन पर, यानी कि 99 रन की पार्टनरशिप, 99 रन की पार्टनरशिप जॉनी बेस्टो और बैन फॉक्स के बीच हुई। इनसे उम्मीद की जा रही थी कि यहां से और बड़ी पारी खेल सकते थे। बैन फॉक्स 87 गेंदों में 42 रन की पारी खेली थी, 8 चौके की बदौलत। जेसन होल्डर ने अपना दूसरा विकेट लिया इस मुकाबले का, लेकिन
बेन फॉक्स ने एक पारी की नींव रखी जिसका फायदा क्रिस वोक्स को मिल रहा है। जॉनी बेस्टो ने अपना शतक कंप्लीट कर लिया है पहले दिन के खेल पर। 216 गेंदों में 109 रन की पारी 17 चौके की बदौलत से खेली जॉनी बेस्टो ने। आप सभी को बताएं कि किस तरीके से आप उम्मीद करते हैं कि ये अपना हाईएस्ट स्कोर इस मुकाबले में तोड़ेंगे। 167 रन का इनका हाईएस्ट स्कोर है यानी कि 167 रन का, और इससे उम्मीद करते हैं कि हम ये से ज़्यादा रन बनाएंगे। इनकी शतकीय की बात करें तो 8 इन्होंने सेंचुरी लगाई है टेस्ट मुकाबलों की 81 पारियों के दौरान, 81 मैचेस की 143 पारियों के दौरान। और जॉनी बेस्टो बहुत ही महानतम खिलाड़ियों में एक माने जाते हैं, तो इनका शतक से अब टीम इंग्लैंड थोड़ी मजबूत स्थिति में है। 268 रन 6 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग का स्कोर अभी डे वन स्टम्प्स तक है। आपको बताया डे वन स्टम्प्स में सिर्फ 86 ओवर यानी 86 ओवर का ही खेल हुआ है, 4 ओवर कम रहे वो भी चलता, थोड़ा बहुत स्लो ओवर रेट भी शायद लग सकता है क्योंकि विकेट गिरती है तो थोड़ा बहुत समय लगता है। गेंदबाजों की बात करें तो 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है यहाँ पर वेस्टइंडीज के कप्तान ने, और 2-2 विकेट यहाँ पर ऊपरी क्रम के 3 गेंदबाजों ने चटका कर दी, जिसमें हम कीमार रोच, जेडन सील्स और जेसन होल्डर से उम्मीद करते हैं, लेकिन अल्जारी जोसेफ, वेरसीमैन पैरामोल और क्रैग ब्रैडफोर्ड से भी उम्मीद की जाती है कि वो भी कुछ कमाल करें। लेकिन जो रूट का विकेट गिरना आज सबसे बड़ी सफलता थी, टीम इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा मोमेंट का पल था। और उसके बाद दूसरा जो मोमेंट बना इस मैच का वो था जॉनी बेस्टो का शतक और वो शतकीय पार्टनरशिप को तोड़ना, यानी कि जो बेन फॉक्स और जॉनी बेस्टो के बीच पार्टनरशिप हो रही थी 100 रन की, 99 पर उनकी पार्टनरशिप को तोड़ दिया, तो वेस्टइंडीज के लिए वो कामयाबी वाली बड़ी बात थी। अब उम्मीद करते हैं किस तरीके से इंग्लैंड की टीम और बड़ा यहां से स्कोर करेगी दूसरे दिन के खेल पर। लेकिन जिस तरीके से पहले दिन का खेल हुआ है उससे साफ पता चल रहा है कि इस मैच का कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। आपने अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच देखा, पहला ड्रॉ रहा। इंडिया वर्सेज श्रीलंका का पहला मैच देखा, वो कितना बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया 222 रनों से जीती रोहित शर्मा की कप्तानी में। अब यहां से उम्मीद करते हैं कि जो रूट और क्रैग ब्रैथवेट कुछ बड़ा कमाल करेंगे। बात करें इनकी सीरीज़ की तो इंग्लैंड वर्सेज वेस्टइंडीज़ के बीच 3 मुकाबले दोस्तों टेस्ट के खेले जाने हैं। जहां पर बात करें इसकी ब्रॉडकास्टिंग की तो ब्रॉडकास्टिंग दोस्तों टीम इंडिया में फैन कोड पर हो रही है इसकी ब्रॉडकास्टिंग, और उम्मीद करते हैं कि ये आप मुकाबले और भी लाइव देख सकें। सोनी स्पोर्ट्स पर आते हैं ये लाइव, 7:30 बजे शाम के शुरू हुआ था ये मुकाबला। और जिस तरीके से दोस्तों ये सीरीज़ है 8 से 12 तक चलेगी, पहला मैच 16 तारीख को दूसरा मैच शुरू होगा वो कैनिस्टन ओवल इन बारबाडोस के मैदान पर होगा, थर्ड टेस्ट मैच नेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन ग्रेनाडा के मैदान पर खेला जाना है। तो इंग्लैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ जारी है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि यहां से दोनों ही टीम अच्छी स्थिति में आएगी। और बात करें दोनों ही टीमों के लिए मुकाबले जीतने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल के अंतर्गत ये सीरीज़ आती है, और टीम अभी नंबर वन पर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, और दूसरे पर है पाकिस्तान की टीम, और तीसरे पर है श्रीलंका की टीम। लेकिन वहीं बात करें इंग्लैंड की तो वो सबसे नीचे 9वें नंबर पे है, 10 मैच हुए हैं एक ही मैच जीते हैं। और बात करें वेस्टइंडीज़ की तो वो 8वें नंबर पे है, 4 में से सिर्फ एक ही मैच जीते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों टीम यहाँ जीत का सिलसिला जारी रखेगी। इंग्लैंड के लिए तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है और वेस्टइंडीज़ के पास अभी खोने के लिए बहुत कम है, तो वेस्टइंडीज़ यहाँ से इस मुकाबले को जीत कर ही अपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में मजबूत स्थिति पाना चाहेगी। तो ये था दोस्तों इंग्लैंड वर्सेज वेस्टइंडीज़ के बीच खेला गया फर्स्ट टेस्ट मैच का डे वन स्टम्प्स तक का हाईलाइट। उम्मीद करते हैं आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। दूसरे दिन की हाईलाइट के लिए बने रहे हमारा चैनल के साथ। जॉनी बेस्टो का शतक हो चुका है, क्या लगता है कितना स्कोर जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स